सो हे गाइज व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। सो दोस्तों, पोको 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 हर जगह आपको सुनने को मिलता है, सिर्फ एक ही नाम पोको F2 कब आएगा। सो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है आप लोगों को भूल जाना चाहिए पोको F2 डिवाइस को लेकर। यहाँ पे अब ऐसी लीक आ रही कि पोको F3 आने वाला है एंड पोको F2 का कोई नामो निशान नहीं है। सो फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ, बताता हूँ इसी पोको F3 के फुल 100% कन्फर्म स्पेसिफिकेशन। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो गाइज करके आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो ये गाइज फटाफट शुरू करते हैं इसी वीडियो को। सो गाइस शुरू करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फोन के यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में। सो गाइस पोको F2 तो नहीं आने वाला, पोको F3 अभी भी मुंह में मेरा पोको F2 ही है गाइस, मैं पोको F2 ही कर रहा हूँ। बट हाँ, यहाँ पे पोको F3 की डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। सो 6.6 इंच का डिस्प्ले होगा, 120Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट विद AMOLED का पैनल, सिंगल पंच होल कैमरे के साथ में ये डिस्प्ले आने वाला, Full HD+ की रेजोल्यूशन होने वाली। सो ये सारा कुछ होने वाला है इसके डिस्प्ले में। डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो Redmi K40 का रीब्रांड वर्जन बनकर आने वाला है, जितने भी अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट लीक्स में आपको बता रहा हूँ ऐसा ही बताया जा रहा है। यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो 5G प्रोसेसर के अंडर ये आने वाला है, Snapdragon 870 देखने को मिलेगा जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है। सो परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफी अच्छा यहाँ पे टॉप नॉच लेवल का एक्सपीरियंस आपका होने वाला है हर चीज में। बाकी गाइस इसमें आपको लेटेस्ट MIUI का वर्जन देखने को मिल जाएगा एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ में ये आता है। सो कैमरास के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे कैमरास के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया, डिसेंट कैमरा देखने को मिल जाता है मैं इतना कहूंगा। जी हाँ गाइस, 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, 13+5 का दूसरा सेंसर है एंड हाँ, सेल्फी में आपको 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सो गाइस ओवरऑल कैमरा क्वालिटी भी उतनी भी खराब नहीं है गाइस, यहाँ पे डिसेंट मतलब अच्छा मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाता है। बाकी परफॉर्मेंस में तो टॉप नॉच एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल ही जाएगा फॉर श्योर। सो गाइस एंड में बात करेंगे फोन के बैटरी के बारे में तो 4520mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, USB Type-C का पोर्ट एंड 3.5mm का हेडफोन जैक रिटेन होने वाला है। सो फ्लैगशिप डिवाइस में 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाता है, सो यहाँ पे ट्रीट मानो आप। सो बस गाइस आज की इस वीडियो बस इतने, अगर वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कर लेना एंड हाँ गाइस यहाँ पे गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर।